सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आज का जो हमारा डिजाइन है, मॉडल है, उसका साइज मैं आपको बताऊंगा और इस साइज में क्या क्या बना सकते हैं, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस के अंदर क्या क्या है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा स्पेस है, छोटा एरिया है, और कैसे इसमें अच्छी तरह आप मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो एरिया है हमारे पास, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई मैं बताऊंगा। इसकी जो फ्रंट से जो चौड़ाई है दोस्तों वो है 16 फीट, और इसकी टोटल लंबाई है जो फ्रंट टू एंड वो 22.5 फीट है। दोस्तों यहाँ पे 22.5 या ये कहें कि 16 गुणा 22.5 फीट एरिया में आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको मैं फ्लोर प्लान पे ले चलता हूँ। यहाँ पे ये मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ हमारा। यहाँ पे लेवल जीरो से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारी जो फाउंडेशन है, नींव कह सकते हैं, वाल आप इसके ऊपर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे चलिए इसको वाल, ये जो हमारी वाल है देखिए जो सफेद कलर की आपको दिखाई दे रही है, हमारी दीवारें हैं। और इसमें मैं बता दूं आपने क्या क्या बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे जो एक रूम है 10 फीट चौड़ा, और यहाँ पे लगभग 15.5 ये जो हमारा 14.5 फीट का जो रूम है, इसकी जो चौड़ाई है वो 14.5 फीट और जो इसकी लंबाई है वो 10 फीट बन जाएगी दोस्तों। उसके बाद रूम के साथ लगता है यहाँ पे आप टॉयलेट बाथरूम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ से। चलिए मैं जब आपको 3D में दिखाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल। तो यहाँ पे फ्रंट में आप किचन बना सकते हैं। 7x7 फीट का मैंने किचन रखा है और लगभग 8-1 फीट का ये आपका ओपन स्पेस रखा है। यहाँ से आप सीढ़ियाँ दे सकते हैं और थोड़ी सी जो सीढ़ियाँ रूम के अंदर आएंगी वो मैं आपको 3D में दिखाऊंगा कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, सीढ़ियों को यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका आपको फुल साइज एक रूम हो जाएगा, बेडरूम। तो चलिए उसके बाद जो ये तो हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर का प्लान, और फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों यहाँ पे मैंने 3-4 फ्लोर बनाए हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे देखिए मैंने ऊपर एक रूम रखा है फ्रंट में, यहाँ पे लिविंग रूम रखा है, यहाँ पे सोफा आ जाएगा आपका और यहाँ पे टेबल। यहाँ पे आपका देखिए एक सिंगल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉयलेट आप यूज कर सकते हैं। इसको बाथरूम अगर टॉयलेट बाथरूम कंबाइन करना थोड़ा यहाँ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हमने चेंज किया है। यहाँ पे सेकंड फ्लोर में देखिए जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे हमने टॉयलेट यहाँ रखा था, बाकी का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो हमने यहाँ पे टॉयलेट था उसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पीछे टॉयलेट बाथरूम कंबाइन कर दिया, यहाँ भी आप इसको यूज करें। और थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर भी सेम बिल्कुल यही चीजें आप यूज कर पाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सारी चीजें। तो चलिए आपको 3D में दिखा देता हूँ एक बार मैं। यहाँ से आप हमारा कंप्लीट व्यू मैं आपको यहाँ से, तो ये हमारी जो डिजाइन है आज की, अब शुरू करते हैं इस डिजाइन के अंदर से देखना कि अंदर क्या क्या चीजें। चलिए लेवल हम 0 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लेवल 0 पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा। ये देखिए मैं आपको बता रहा था जो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक रूम हो गया 14.5x10 का। यहाँ पे इसके अंदर आपको सारे जो है सारी चीजें, यहाँ पे काफी बड़ा रूम है यूज कर सकते हैं रख के। नेक्स्ट जो हमारे पास आती बात, यहाँ पे इसके साथ कंबाइन आप टॉयलेट बाथरूम यूज कर सकते हैं। यहाँ से अंदर से इसका है, किचन की तरफ इसका कोई टच नहीं है। आप अगर चाहें तो यहाँ से दरवाजा यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा क्योंकि टॉयलेट बाथरूम, तो मैंने इसलिए दरवाजा इसका अंदर कर दिया है। यहाँ पे आपका जो है सिंक हो जाएगा और ये हो जाएगी हमारी किचन दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये किचन है, यहाँ पे आप किचन को यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जो स्पेस बचा बाकी, यहाँ पे आप पार्किंग छोटे व्हीकल 2-व्हीलर आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। जो सीढ़ियों के नीचे का एरिया है उसको भी आप यूटिलिटी के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ हमारी, ये देखिए सीढ़ियाँ थोड़ी सी रूम के अंदर आएंगे, लेकिन ये कोई अड़चन डालने वाली नहीं है कि रूम के अंदर कहीं भी जो अड़चन नहीं लगाएंगी, बिल्कुल ओपन ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ से आप अंदर थोड़ा एरिया यूज कर सकते हैं रूम का, क्योंकि ऊपर का एरिया है जो कि यूज में नहीं आता नॉर्मली। तो यहाँ से सीढ़ियाँ आप बना के ऊपर
और जो नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। चलिए ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेवल वन पे। यहाँ पे देखिए हमारा जो लेवल है, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी नीचे से वो ऊपर आ गई हैं यहाँ से। और यहाँ पे सीढ़ियों के साथ लगता है आप लिविंग रूम बना सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ पे देखिए आपकी टेबल है और सोफा हो जाएंगे, और यहाँ से आप एंट्रेंस कर सकते हैं अंदर, और यहाँ पे एक रूम हो जाएगा आपका काफी बड़ा साइज का। अब यहाँ से रूम में मैं आपको बता दूँ, जो मैंने पहले बताया था यहाँ पे जो हमारा टॉयलेट है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे यूज नहीं, थोड़ा सा इसको बढ़ा के आप इसमें बाथरूम भी अटैच कर सकते हैं साथ के साथ अगर चाहें तो। और यहाँ पे आपका देखिए एसी वेसी लगा हुआ है काफी आपके ऊपर, और यहाँ से जो एसी का वो यहाँ पे आप यूज इस टाइप की जो आपकी बालकनी बनेगी दोस्तों। अब ये बिल्कुल सिंपल है। और जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ से जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी बजाय सेकंड पे मैंने चेंज क्या किया वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे टॉयलेट यहाँ पे था, यूज किया था हमने, लेकिन यहाँ पे मैंने इसी जगह को हटा के यहाँ पे इसको यूटिलिटी के तौर पे अलमीरा वगैरह आप कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बना दिया है कि टॉयलेट बाथरूम कंबाइन है इसके ऊपर भी, और ये आपका जो साथ में बचकर लिविंग एरिया की तरह आप इसको यूज कर पाएंगे यहाँ से। और जो हमारा नेक्स्ट और जो थर्ड फ्लोर है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। इसमें कोई थर्ड और सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम तरीके के हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये तो है आज का हमारा जो साइज था दोस्तों, 16x22। और आशा करता हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो।